फासला कितना है? फासला बहुत ही थोड़ा है, जा भी आना रहेगा। रास्ता बहुत ही खतरनाक है। हेलो जी, आई एम इनायतुल्लाह खान फ्रॉम स्वात। ग्रुप मेंबर्स का इसरार है कि ऐसी जगह विजिट करते हैं जहां पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो, सब्ज़ारे हो, आबशारे हो और ढेर सारा पानी हो। तो मेरा क्या है भाई, चलो चलते हैं। मगर इससे पहले ग्रुप मेंबर्स का तारुफ कराना ज़रूरी है। आप है हमारा जाना पहचाना, हमारा कदरदान तूती दादा, और आप है शारदा, और आप है मोमिन खान, और आप है फजल मौला, और आप है कभी खुशी कभी गम अयास खान, और ये मैं इनायतुल्लाह खान। ये याद रखना चाहिए कि आप यहाँ जब भी कभी विजिट करेंगे तो स्पीड का ख्याल रखिए। रोड बहुत ही तंग है, कहीं पे पुल गिरे हुए हैं और कहीं पे लैंडस्लाइडिंग होती है। तो अपनी बारी का इंतज़ार करें, अपने लैंड में रहिए, वरना इंतज़ामिया जिम्मेदार नहीं होगा। हुआ कुछ यूँ के 2010 से पहले यहाँ पर झील का कोई नामो निशान तक नहीं था, लेकिन 2010 में यहाँ पर एक मेजर लैंडस्लाइडिंग हुई जिसकी वजह से एक बहुत ही ज़बरदस्त झील बन गया, अताबाद झील। ये है हुंजा से चंद किलोमीटर के फासले पर गोजर के मुकाम पर अताबाद झील, जिसकी ऊंचाई है 8,396 फुट, जिसकी लंबाई है 21 किलोमीटर, जिसकी गहराई है 398 फुट। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमारी खुशकिस्मती समझे या बदकिस्मती, बहुत ही तेज़ बारिश हुई और सारे बोट्स जो थे वो ऐसे ही खड़े थे, क्योंकि बारिश में यहाँ पर बोटिंग करना मुश्किल है, इसलिए हम बोटिंग न कर सके, लेकिन आपको अताबाद झील का नज़ारा कराएंगे। वेलकम टू हुंजा। वेलकम वेलकम यार, पुल टूटा हुआ है इसलिए वन वे ट्रैफिक है। अच्छा, वो कितना फासला है? माजरत खा है हम। फासला कितना है? फासला बहुत ही थोड़ा रह गया है। ये है अताबाद झील के रात का मंजर।
जो बहुत ही प्यारा लगता है। हल्की हल्की बारिश हो रही है, इसलिए किश्तियाँ खड़ी हैं। और आपको तो पता है, जब बारिश होता है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश होता है तो ज़्यादा पानी आता है, तो इसमें किश्ती नहीं चल सकती। रात कैसी गुजारी भाई? हो जबरदस्त, बहुत अच्छा। जगह अच्छी है कि नहीं? बहुत अच्छी है, ये झील अच्छा है, सिर्फ झील अच्छा है, बाकी रास्ता बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक है, बाकी देखने का कुछ नहीं है। और ठंड की वजह से आपको ये मसला पेश आ सकता है, जरा देखिए।